अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे कस्तूरी चिकन। तो उसके लिए मैंने एक चिकन लिए और इसके बड़े पीस हैं, एक पूरी चिकन ली है। इसमें डालेंगे, यहाँ मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें पीस के थोड़े से पानी में, और इसको यहाँ रख लिया है। क्रीम जाएगी इसमें 3 टेबल स्पून, दही 1/2 कप, नमक 1/2 टेबल स्पून, बादाम का पाउडर 1 टेबल स्पून भर के लिया मैंने, काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून, यहाँ अदरक लहसुन का पाउडर डालूंगी मैं 1/2 टेबल स्पून, थोड़ी सी कुटी मिर्चें, अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो कुटी मिर्चें हटा दीजिएगा। सबसे आखिर में हम डालेंगे मोज़रेला चीज़। यहाँ हम सबसे पहले दही डालेंगे, इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, काली मिर्चें, क्रीम, बादाम का पाउडर, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, जिंजर पाउडर और थोड़ी सी कुटी मिर्चें। इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। बस मैंने मज़रेला चीज़ नहीं डाली है, बाकी सब चीजें डाल दी हैं। ये हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है इसे। अब हम चिकन इसमें डाल के अच्छी तरह लगा देंगे। चिकन लगा दी, चिकन लगा के हम इसको छोड़ देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, फिर उसके बाद हम इसे बेक कर लेंगे। यानी देखिए जी, इसको 1 घंटा हो गया रखे हुए, हम इसे बेकिंग ट्रे में डाल लेंगे। ये देखिए जी, मैंने इसको ऊपर डाल दिया और इसे मैं ओवन में रखूंगी 350 पे 45 मिनट। ये देखिए, मैंने इसको 30 मिनट के बाद निकाला, मैं इसको पलट दूंगी। और मैं इसे फिर दोबारा ओवन में रखूंगी। ये देखिए जी, इसको मैंने ओवन से निकाल लिया, इसका पानी ड्राई हो गया था, और इसके ऊपर मैं डालूंगी मोज़रेला चीज। तो चीज़ हमने डाल दी है, इसको मैं ओवन में डालूंगी। चीज़ मेल्ट हो गई तकरीबन, लेकिन ओवन अभी गर्म है, ओवन में 5 मिनट रखूंगी। जब चीज़ अच्छी से मेल्ट हो जाएगी फिर मैं इसे निकाल लूंगी। ये देखिए जी, ओवन में मैंने इसे रख दिया था, ओवन बंद था, ओवन में मैंने इसे रख दिया था, चीज़ मेल्ट हो गई तो मैंने इसे निकाल लिया था। अब मैं इसे इसमें निकाल लूंगी। देखिए जी, ये हमने इसमें निकाल लिया है, और इसके साथ मैं चटनी सर्व करूंगी। ये देखिए जी, तो इसे मैंने सब चीजें मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख दिया था, फिर उसे मैंने ओवन में 350 पे, ओवन मेरा प्रीहीट था 10 मिनट पहले, 30 मिनट के बाद मैंने ओवन से निकाला, फिर उसका साइड चेंज करा चिकन का, और फिर इसे मैंने ओवन में रख दिया था 15 मिनट के बाद, फिर मैंने इसे निकाला तो इसका पानी ड्राई हो गया था, चिकन का पानी ड्राई हो गया था। फिर चिकन पे मैंने मज़रेला चीज़ डाल के, चिकन पे मैंने मज़रेला चीज़ डाल दिया, ओवन मैंने पहले से बंद कर दिया था, और फिर इसे 5 मिनट
मैंने बंद ओवन में रखा ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। जब चीज़ मेल्ट हो गई तो मैंने इसे निकाल लिया था। और ये देखें तो ये बनाएगा, मुझे बताएगा कैसा लगा। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, मेरा फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा, कुकिंग विद सर सैयद, और वहाँ पे भी बहुत सारी कुकिंग की वीडियो अपलोड है वो भी देखिएगा। और ये बनाएगा मुझे बताएगा ज़रूर कि कैसा लगा। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।